तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ भाभी, मुझे फ्री की चीजें बहुत पसंद है। आग बंद कर, तो आप अपने हाथ से कर लो बस। कट जाएगा कह रहा हूँ, काम खत्म। ओहो प्यारे के जूते हैं, पूरा तड़कता भड़कता हो जाऊंगा। ये देखो हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हूँ करती हूँ, आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी का ब्लॉग हम इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि कल हमें जाना है कर्नाटका। तो कर्नाटका जाने से पहले जो भी हमें पैकिंग करनी, तो पैकिंग मैं कर लेती हूँ सारी। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आज हनुमान जी ने हमें शॉपिंग कराई है पूरी 24,000 समथिंग कुछ की। तो मैं दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए। तो सबसे पहले ये दिखा देती हूँ वन पीस। ये वन पीस हम दो लेके आए, मैं बोलू दोनों लेके आए क्योंकि वहां पे हम सारे कपड़े जो है सेम पहनेंगे। उसके बाद ये वाला वन पीस जो आपने पहले वाले ब्लॉग में ऑलरेडी देख लिया है, तो ये वाले वन पीस हमें बहुत ज्यादा पसंद आए थे और ये सारे कपड़े जो है ना अरमान जी ने सिलेक्ट किए थे। और ये वाला जो है ये हमारा है एयरपोर्ट लुक, एयरपोर्ट पे हम ये साथ में ये वाली टी शर्ट ये पहनने वाले हैं। और एक एक शर्ट ऐसी शर्ट ना आपने हमारे पास ब्लैक और गोल्डन और व्हाइट देखी है, तो हमें ये भी पसंद आया था तो हम दोनों ये भी ले आए हैं। तो ये थी आज की हमारी शॉपिंग। इसके बाद हमने चीकू के लिए गेम लिया था ऐसे खेलने वाला, वो आपको चीकू वाले ब्लॉग में दिखेगा। तो अभी फटाफट जो है पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि पैकिंग में बहुत ज्यादा समय जाता है। तो गाइस मुझे कंफ्यूजन था कि मुझे मीडियम आएगा स्मॉल आएगा, तो स्मॉल मैंने बिल्कुल सही लिया है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है स्मॉल साइज। और एक्स्ट्रा स्मॉल पालने लिया है, अच्छा हो मैंने इसका मीडियम नहीं लिया, मीडियम बहुत ही खुला आता कि ऐसा स्टाइल है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा ये तुझे नहीं पता था, ये जो ज़ारा वाले थे ना उन्होंने बोला कि मैम आपको इसका मीडियम नहीं आएगा स्मॉल आएगा, क्योंकि मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे मीडियम आएगा स्मॉल आएगा। उन्होंने फिर मुझे बोला आपने कौन सी जीन्स पहनी है, तो मैंने जीन्स का साइज बताया, उन्होंने बताया हम स्मॉल लो, ठीक है बिल्कुल स्मॉल। तो गाइस ये जो टैटू है ना ये मेरा 2019 का टैटू है, यहाँ पे लिखा है डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ, मतलब सबसे पहले अपने आप से प्यार करो फिर किसी और से प्यार करो। तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरा टैटू जो है ना ये मैंने पतली होने के लिए करवाया था कि मैं दोबारा जब पतली होंगी ना तो मैं ऐसे कपड़े पहनूं। तो ये है मेरी और पाल की एयरपोर्ट लुक। पाल तू पहन के आएगा कल, तो ये मैंने रिवील कर दी, ये हमारे एयरपोर्ट की लुक। तो ये वाली इसकी तीसरी आउटफिट है और दिन में कम से कम 3 से 4 बार बच्चे कपड़े बदलते हैं, तो मैंने सोचा कि काम करती हूँ नाइट सूट रहने देती हूँ क्योंकि ना अभी मौसम चेंज हो गया है और इसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है सोते हुए, तो मैंने इसकी जो नीचे का इनर है ना वो तो निकाल दी। ए बब्बा, ए बब्बा, ए बब्बा कौन था, ए बब्बा, ए पापा, पापा बोल, पापा पापा मम्मी मम्मी। तो भाई नाइट सूट तो मैंने निकाल दिए बहुत सारे, ठीक है जिसमें मेरे भी है, चिंपू पापा भी है, तेरे भी है, सब ठीक है। नाइट सूट हो गए, अरे शॉर्ट्स भी तो निकाल ना। अच्छा ठीक है, जब भी खोला है तो वहाँ पे काम करेंगे ना, वहाँ पे हमारे भैया तो जाएंगे काम करेंगे, रील बनवा लेंगे। मेरे को तो आ जाएगी शॉर्ट्स सारी आ जाएगी, तेरे को नहीं आएगी तो अपना देख ले, तेरे पास जो छोटा साइज है वो ले, मेरे को ये तू ही पहन वाली, मेरे को ये वाली आ जाएगी, तेरे को आ जाएगी, मेरे को आ जाएगी, मेरे पहनी थी उसी, मेरे को आ जाएगी। ये मेरी 2019 की शॉर्ट्स है, फॉरएवर 21 के लिए थी, 2019 की अभी तक मेरे पास रखी हुई, और ऐसे लग भी नहीं रहा मेरे पास है। एक टाइम पायल चीफ के पापा के साथ ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि चीफ के पापा और पायल का है, एक बार ना पायल और मैं ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद अगली बार चीफ पापा के साथ मैं ट्रेनिंग कर लूंगी क्योंकि फाइल का जो साइज है ना पहले का है, तो वो साइज मेरे को आराम से आ जाएगा। तो गाइस जहाँ पर हम जाने वाले वहाँ थोड़ी सी गर्मी है और मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स निकाल ली है जो अभी तक इन्होंने पहने नहीं है, एक बार भी नहीं पहने, टैग भी यहीं पे देखो। और अब मैं इसमें कम से कम 15 से 20 टी शर्टें निकालने वाला हूँ जो हमारे बच्चे पहनेंगे, बच्चे पहनेंगे, पहने नहीं हुई ऐसे बहुत सारे ऐसे टी शर्ट जो मैंने पहनी नहीं। तो गाइस ये वो सारे कपड़े जो अरमान जी ने अभी तक नहीं पहने और टैग लगे हुए सब पे, सारे निकाले हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे। अगर किसी काम के लिए बुलाऊंगे ना तो यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आएगा, पर यहाँ पे सेल लगे तो सारे नजर आ देंगे। देखो भाभी मुझे फ्री की चीजें बहुत पसंद है, 1 मिनट में ऊपर आ गया, मैं टिंकू के लिए निकाली, चाहे फ्री का फिर खाना हो चाहे फ्री के कपड़े हो, बोलू आई लव फ्री का, लूट ले बेटे, निशु लूट ले बेटे, लुटा के आने का, एक से लुट ऐसे थोड़ी, अपने अपने हिसाब के देख के लो ना। अब मान ले ये ले जाए लड़कियों वाला, क्या मतलब है कपड़े भी हैं सिर्फ भैया देने। अच्छा तो 6 तो निकाल लिए गोलू ने, ये मैंने गिनती नहीं करी कितनी है, मैंने टिंकू के निकाले, टिंकू क्योंकि यहाँ पे है नहीं, हो गया काम से, तो मैंने टिंकू के निकाले साथ में रख लिए सबसे ज्यादा। भाई ये मेरे साइज का नहीं है, ऐसे देख रहा हूँ। ये ब्लैक कैसी भाभी? ब्लैक बिल्कुल ब्लैक जैसी है। नहीं मतलब पैटर्न क्या है उसका? पैटर्न बहुत अच्छा है, टी शर्ट ही है, टी शर्ट ही है, तो देखनी होगी मतलब सारी टी शर्ट है, कोई शर्ट अच्छा, इसमें 3 ब्लैक है, एक तो एक अलग अलग पैटर्न की है, इसमें से 8 मैं ऐसे उंगली रखूंगा ना वो दे देना। चल ठीक है ठीक है, आग बंद कर, आग बंद कर ली, एक मिनट जो गाइस मैं आपके सामने ब्लैक निकाल लाइव, अच्छा ठीक है लाइव करूंगी सब कुछ, 1 2 3 ब्लैक ब्लैक रखूंगी सर। तो ये इसको आएगी गुची को, गुची को गई हूँ निशु को, तेरा गुची लिखा था मैं गुची बोल रही, आग बंद कर, बंद है ये लो। चल सिलेक्ट कर ले, आग बंद होनी चाहिए, लो आप अपने हाथ से कर लो बस, चल ढूंढ ले कितना खोज रहा है, रबड़ का प्रिंट है ये, बिना रबड़ का की लग रहा है, बिना रबड़ वाला दे दो भाई, ये लेके जा रहे पिंक वाला, चल ये तेरे हुई, चल निकल। देखो ओहो भाई सेम टू एक्सएल, देखो मेरी आग बंद करके 2 XL ले ली मैंने, खुश है सारे
यस भाभी सब थैंक यस। मिनी व्लॉग तेरी जिम्मेदारी है, ले जो कम जी टिंकू को दे दियो। सुन तेरे लिए कपड़े निकालूंगा अभी चिकू वाले, क्योंकि तेरे कपड़े चिकू वाले आएंगे। चल फिर आजा। तो गाइस हमारे घर में ना एक गड्ढा एक्स्ट्रा है और मैं चाहता हूँ इसको अंदर फिट करना, तो मैं अभी ना मेरे पास फीता तो था नहीं, तो मैं अभी धागे से नाप के आऊँ। और लक्ष्य लोगों ने पढ़ी तो यहाँ से तो यहाँ दिखा रहा है लक्ष्य, ठीक है ये तो लंबा ये चौड़ाई। एक मिनट रुकियो, यहाँ से दिखा रही है। एक मिनट रुकियो ना। तो गाइस हमारे पास स्केल देख लो कैसा है स्केल। हो मैं तो चली गई। चाकू दे दो मुझे, एक काम कर इसको पकड़ के रखना, चाकू दे मुझे। ये जो दिमाग ना मान जी ने निकाला है, ये जो फॉर्म बचेगा ना हमारे यहाँ पे ना गद्दे के साइड पर बहुत सारी गैप है, वहाँ पे ना शांति डाल दी। तूबा बहुत जल्दी जरूरी है, तूबा से ज्यादा आयान जाता है वहाँ पे। कट जाएगा कह रहा हूँ बस। ओहो गुड्डू अभी तो यहाँ पे है, कोई नहीं देख तो सीता कितना काटा मैंने पागल। ये हटा दो यहाँ से बस, अब थोड़ा उठा के रखो उसको, उठा के गुड्डू इसको। भाभी कब से चाय लेके खड़ी हो? अभी रखो, ये भी जरूरी थी। अब इसको खड़ा करके भी कर सकते हो? नहीं नहीं वो तुम वहीं से बोलो, पापा ही नहीं है पापा। बोल मम्मा। वेरी गुड अरमान मलिक सर, बहुत मानती हूँ। सबसे देखो देखो सीधा काटा मैंने पूरा ना, लक्ष्य ऐसे मत कर, पापा काम कर रहे हैं बेटा। कैंची कैंची मेरी कितनी सी कैंची लगी होगी, इसको एक काम करती हूँ सफाई दे देते हैं कैंची से। हाँ जी सुबह भी उठ गई है, वो उठ गया आप तो वो नहीं छोएगी, दो तीन बजे तक नहीं छोगी नहीं छोगी। तो भैया अब है लड़की और काम इसको बिल्कुल सीधा डाल दे, डाल दे इसको उसके ऊपर, ये मार दो तो क्या करूंगी। ले लक्ष्य काम खत्म, कटिंग करनी पड़ रही है मुझे, ये औरतें ना हमारी निकम्मी है, कुछ नहीं आता इनको। ले चलो पहले पर देख लो इसको, कपड़े बना वहां से अच्छा, देखिए फट्टा पूरा काम है, बोले बिल्कुल सीधा काटा मैंने ना, ऊपर का तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है। तो भाई ये अरमान मलिक का दिमाग था, पूरा फिट है देख लो, कहीं से कोने से ना कुछ भी नहीं है देखो। ओहो फिट आया, वाह भाई वाह, मान मलिक सर मान गए। तो इस पे कवर तो लगा दो, लगा देंगे कवर, वो वाले इधर करूंगा पहले, वो वाले इधर करूंगा, गैप नहीं रहेगा ना, और जो मैंने काटा ना वो गैप पीछे फंसवा दूंगा। मैंने बोला था शांति को ना जो गम ने काटा है ना वहाँ पे गैप को फिल कर दो। तो भाई मैं जैद से पूछ रहा हूँ, पापा ने पूरा बेड बना दिया, बजाया मजा आया, पहले बता बजाया, ताली बजा के दिखा मजा आया। दे दो क्लैपिंग क्लैपिंग पहाड़ आया, बचाओ बचाओ पापा बचाओ, पहाड़ आ गया हमारे ऊपर, बचाओ पापा। तो भाई यहाँ से ना थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये काट के एंगल बनाना पड़ेगा इसको। भाई मैंने नाप लिया था पूरा और ये फिटिंग आएगी उसकी 200%। यही काम है, अगर आप जमीन से जुड़े रहो ना तो आपको चीजें आती है करनी, और ये मेरे फादर साहब ने सिखाया था मुझे कि जिंदगी में सारे काम आए करने। रात को तुम सो रहे हो ना तो ये ना हो कि बाहर से बुलाना पड़े किसी को, काम करवाना पड़े, एक एक और काटते कोने का। अब आए पूरा, अब कोई टुकड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, शांत परफेक्ट है। ये है अरमान मलिक, ये देखो ये मैंने कोना काटा था, ये पूरा फिट आ गया यहाँ पे, और अब आराम से कोई बच्चे यहाँ घूम के रखो तो इनका मुंह मुंह ना लग जाए, तो इसलिए पूरी फिटिंग कर दी है। ये देखो ये इसमें डाल देता हूँ कि और मान लो सुबह आपको पसंद आया आपका बेड, सुबह क्लैपिंग कर रही थी तो वो पसंद आया, यहाँ इसको पसंद आ गया। दोनों भाई सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हो? अच्छा ठीक है फिर खेल, अच्छा ठीक है कैपिंग करो सुबह, और मैं चाहता हूँ जितने लोग मुझे सुन पा रहे एक बार ना आप इनसे ऑर्डर करना कपड़े वपड़े, और दिल खुश हो जाएगा आपका, आप कहोगे और कपड़े मंगाएंगे तो हम यहीं से वरना नहीं। ठीक है भैया अभी जादू की तारीख खोलूंगा, शुरुआत करते हैं शूज से, मजेदार जूतों से, तो बहुत ही प्यारे जूते हैं सुंदर से, BMS में इंस्टाइल टाइप करूंगा जाके चेक कर लेंगे।
तो ये जूते जूते यहाँ बहुत ही कलरफुल से जूते आए हैं। यहाँ पे एक जोड़ी और, ये लो एक और है। ये जूते मेरे पास पहले भी थे क्या? ना ये नहीं है। ये नहीं क्या? ओहो क्या वंडरफुल कलर भेजे यार। अच्छा एक और जो डब्बे में पैक है, तो ये तो भाई गुच्ची के जूते, गुच्ची के समझ लो जितने कपड़े मेरे हैं उतने सूरज भाई के हैं, पर ये पहनता नहीं है तो इसकी गलती है। तो आज मैं सोचा मैं जूते भी नहीं खरीदा, तो शर्ट देखते हैं कैसे कैसे शर्ट ये तो मैंने सिलेक्ट की थी। हाँ ये पहले की थी और मैं ये जहाँ जा रहा हूँ यहाँ पहनूंगा, ठीक है इसको अलग रख दो। जूते आ गए बाहर और ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी शर्ट है। मैं आजकल ना शर्ट पहन रहा हूँ बड़ी बड़ी और टी शर्ट, ये भी टी शर्ट अच्छी है, ये भी मजेदार है, ये थोड़ा सा फंकी स्टाइल है ब्लैक, ऐसे क्या पिंक भी है ना, हाँ कटा फटा थोड़ा सा ऐसे क्या पिंक है। टांग देते हैं, ये ज्यादा सुंदर है थोड़ा सा ना, खरगोश है रैबिट, ये भी कलर अच्छा है, ये भी कलर अच्छा है और ये भी है थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है ये जो मैं स्पॉट मंगवा दिया थोड़ा सर्दियों का मंगवा दिया है। हाँ जो मेरी फेवरेट पैंट दिखाता हूँ आपको, जो मैं कल सुबह पहन के निकलूं एयरपोर्ट पे तो अतड़कता भड़कता हुआ जाऊंगा। ये देखो फेवरेट पैंट, ये शर्ट मेरे पास है पहले भी ना, नहीं इसका दूसरा पैटर्न, तो एक पैंट तो मैंने छुपाई दी बोलू, ये बोली तो भाई ये भी देखो बहुत ही सुंदर सी पैंट है। तो जितने कपड़े यहाँ दिखाई दे रहे सूरज भाई, जो तेरा दिल करे ले ले निकालो, तो ये पैंट भी सुंदर है क्या पता मुझे आए ना, तो ये भी मैंने पसंद की थी, आ जाएगी, ये भी मजेदार पैंट है। मुझे ऐसी पैंटे पसंद है तो जो थोड़ी सी डिफरेंट हो। अच्छा ये पैंट हम लास्ट टाइम लेके आए थे पर साइज बहुत छोटा ले आए थे, तो वो गोलू का आई थी। हाँ ये वाला स्टाइल, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो हम एक काम करेंगे साथ पहनेंगे। तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन है BMS फैशन जलंधर, आईडी टैग कर रहा हूँ इससे आईडी, तो आप जाना देखना और दिल खुश हो जाएगा, जो भी जलंधर जाए BMS पे जरूर जाए। तो आज ना हम सारा काम कर रहे हैं क्योंकि ना मैंने ना ऐसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पेंटिंग बनवाई है कि हर भाई जब हम शूट करें तो हम अलग रखें, हेल्दी फूड कैटरी, तो हर बार ये आपको कुछ नया दिखेगा यहाँ पे, हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ। तो भाई यार ये सेम से हो गया पाल, नहीं गुडू ये इसी का सारा पैटर्न था ना इसलिए मैंने रखा। अच्छा क्या क्या लिखा हुआ? ये जो ब्राउन है ना इसमें लिखा अ हेल्दी आउटसाइड स्टेट्स फ्रॉम इनसाइड फूड मैटर, इसमें लिखा है हेल्दी फूड कैप्शन, इसमें लिखा है हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ, सेम बात है। मतलब कल भैया किचन साफ करवा देना सारे चीजें, बटन जो भी होना।